चेपॉक मैदान के ये आंकड़े टीम इंडिया के लिए है खतरे की घंटी। मैच से पहले कप्तान टेंशन में, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने से पहले भारत इन आंकड़ों को देखकर घबरा रहा है। कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ की क्यों बड़ी हुई है मुश्किलें? भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को अपना अभियान शुरू करेगा। टीम इंडिया के अभियान की शुरुआत चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम से होगी। इस मैच से पहले टीम इंडिया के कुछ आंकड़े सामने आने लगे हैं जिसके रोहित ब्रिगेड के लिए बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है। वहीं इस मामले में कंगारू टीम भारत से आगे है। ऐसे में अगर रोहित शर्मा का ध्यान इस बात पर होगा तो उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर भी होगा। दरअसल ये आंकड़ा चेपॉक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैचों का रिजल्ट का है। इस मैदान पर कुल 3 बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ जिसमें 2 बार भारतीय टीम को हार मिली है। सिर्फ 1 बार 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ टीम इंडिया जीती थी, जबकि इसी साल मार्च में कंगारू टीम ने भारत को एमवी चिदम्बरम स्टेडियम में 21 रनों से हरा दिया था। इसलिए हम कह रहे हैं कि चेपॉक में जरा बच के, यहाँ टीम इंडिया को कंगारू टीम के गेंदबाजों से बचकर रहना होगा। चेपॉक के पिच हमेशा से स्पिन की मददगार होती है और स्लो मानी जाती है। ऐसे में एडम जैम्पा सबसे खतरनाक कड़ी साबित हो सकते हैं। भारतीय बल्लेबाजों का उनके खिलाफ रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है। चेपॉक में हुए भारत ऑस्ट्रेलिया मैचों पर एक नजर। 1987 में ऑस्ट्रेलिया यहाँ 1 रन से जीती थी। उसके बाद 2017 में भारत को यहाँ 17 रनों से जीत मिली। फिर 2023 में भारत को 21 रनों से हार मिली थी। अगर इस मैदान पर टीम इंडिया के ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो भारत ने यहाँ 15 वनडे मुकाबले खेले हैं। इनमें से 7 मैच भारतीय टीम यहाँ जीती और 6 में उसे हार भी मिली, जबकि 2 मुकाबले इस मैदान पर नो रिजल्ट भी रहे। आखिरी बार भारतीय टीम ने यहाँ इसी साल मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला था जिसमें टीम हारी थी। अगर पिछले 5 मैचों की बात करें तो 3 मैच टीम इंडिया ने यहाँ हारे हैं और 2 जीते हैं। ऐसे में ये आंकड़ा भी टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है, इसलिए भारतीय टीम को यहाँ जरा बच के रहना पड़ेगा। वहीं रोहित शर्मा ने भी मैच से एक दिन पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, विश्व कप में अपनी टीम की कप्तानी करना बड़े सम्मान की बात है। ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम है, हमें पिच के अनुसार बल्लेबाजी करनी होगी। हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वे गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो हमने मार्च में की थी। देखना होगा कि कल पिच कैसी दिखती है। हम एक ही समय में प्रत्येक बल्लेबाज की भूमिका को स्पष्ट करते हैं, हम उसे खेलने की आजादी भी देते हैं। इस खेल को खेलते हुए मुझे 16 साल हो गए हैं। ये इस बारे में है कि आप दबाव को कैसे संभालते हैं। वर्ल्ड कप है, दबाव हमेशा रहेगा। भारत ने साल 1983 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता है। उसके पास 12 साल बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का शानदार मौका भी है। साल 2011 के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया था। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ये अब तक वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे सफल टीम है। हालांकि 2015 के बाद से ये टीम भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।